नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो अभी वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए तो कोरोना संकट यानी कि कोरोना का संक्रमण, इस महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला यदि कोई है तो शिक्षक ही है। अब उसका प्रभावित होने का जो मुख्य कारण रहा है उसका वो यही कारण रहा है कि चुनाव, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया हो, पूरे शिक्षक ने जो कार्य किया जिस तरीके से, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक संक्रमित हुए और उसके बाद मतगणना में बचे हुए कुछ ज़्यादा और शिक्षक संक्रमित हुए। तो इस प्रकार से जो अभी तक 700 के समथिंग लिस्ट थी, अब वो बढ़ करके लगभग 1600 शिक्षकों की लिस्ट पहुँच चुकी है। तो इतने शिक्षक हमारे जो हैं इस कारण से संक्रमण से मर चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले जा चुके हैं। जो एक फैमिली के लिए सहारा होते हैं, उनका सहारा फैमिली का टूटता जा रहा है। तो ये देखते हैं क्या एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई है, उस रिपोर्ट को जो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वालों की, शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या सभी को यदि हम जोड़ लें, शिक्षक के साथ साथ जो भी और अन्य कर्मचारी थे जिन्हें मतगणना में और मतदान के दौरान जो चुनाव ड्यूटी है उसमें की है, उसमें लगभग वो संख्या 1600 यानी कि 1600 के पार पहुंच चुकी है। संघ ने आरोप लगाया है कि सरकार ने शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है, लेकिन जिलों में अधिकारी शिक्षकों को कोरोना कंट्रोल रूम सहित अन्य कार्यों में ड्यूटी लगाकर शिक्षकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ये सच्चाई है, कई एक जिलों में जो कोरोना काल में जो कंट्रोल रूम में ड्यूटी है वो शिक्षकों की लगाई जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी से गत दिनों हुई वार्ता में आश्वासन मिला था कि चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद भी शिक्षकों के निलंबन और वेतन काटने की कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने सरकार से कोरोना संक्रमण के कारण असमय मौत का शिकार हुए शिक्षकों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, इन्होंने डिमांड की है कि लगभग 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शिक्षक के गार्जियन को देना चाहिए, जिससे कि आश्रितों को जल्द ऐसी मांग की है कि उनको दिलाए जाए। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि एक लाइफ शिक्षक की जो होती है उसका हालांकि मुआवजा तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन ये हर फैमिली जो उनकी है उनको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, उनके जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके रास्ता में कोई रोड़ा नहीं बनेगा, रुकावट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये आवश्यक भी है जो डिमांड की गई है और साथ ही साथ जो बात रखी गई है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो मास्क फ्री मुस्कान, यानी कि जो वाशिंगटन अमेरिका में इस समय मास्क की जो व्यवस्था थी वो कैंसिल ख़त्म कर दी गई। अब कोई भी मास्क नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। वहाँ पर अभी तक 36% अमेरिकी लोगों ने दोनों डोजों को लिया है।